ऐसे क्यों बैठी हुई हो? और कैसे बैठूं? लेट जाओ, थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। इस गंदे बिस्तर पे मैंने डेट ट्रे से स्मेल आ रही है। स्मेल आ रही है? एक काम करते हैं, प्रिंसेस के लिए ना 5-स्टार होटल में रूम बुक करते हैं, क्या कहती हो? सैम, हम कब तक ऐसे मारे मारे फिरते रहेंगे? ना हमने निकाह किया, ना नाना के घर जा सके। रुशना बात नहीं करी मेरे से, घर वाले अलग नाराज, और अब वो हॉस्पिटल में उनकी तबीयत खराब। ये सब मेरी गलती है। मैं नहीं कह रही कि तुम्हारी गलती है, लेकिन अब क्या करेंगे? जरूर, सब कुछ तुम्हारे सामने ही तो है। तुमने कहा था तुम सब सेट कर दोगे। वेर, मेरे पास जादू की छड़ी थोड़ी है, घुमाऊंगा सब सेट हो जाएगा। कोशिश कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ, तुम देख रही हो। ऐसे थोड़ी नाराज तो ना हो। देखो, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं सब सेट कर दूंगा, तो कर दूंगा। तो भरोसा तो रखो। मेरे से ऐसे बात नहीं किया करो। अच्छा, नहीं करूंगा, सॉरी। सॉरी ना बोला ना जू। जू। बोला जी। चलो बाहर चलते हैं, कहाँ खाते हैं? ये सही है, मेरा पैसे भी दम घुट रहा है यहाँ पे। चलो फिर तुम एक काम करो, तुम रेडी हो जाओ, चलते कुछ खाते। मैं ऐसा करती हूँ, शावर लेके आती हूँ तो फिर। अबे यार, हर चीज उल्टा। उठो 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 उठो, चलो जाकर जाओ तुम्हारी। चलो कहाँ चल दिए भाई, इधर आओ। भूख लगी थी, कुछ खाना लेने के लिए जा रहे थे। अच्छा, बहन आप जरा अंदर जाइए, मुझे जरा जरूरी बात करनी है। मैं सकीना से कहता हूँ, वो कुछ खाने के लिए बना देगी। अब तुम जरा आओ, बात करनी है। मैं तो जी। नजर भाई, क्या हो गया? मैं सिर्फ ये कह रहा था। हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा सा ना शक हो रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है नजर भाई। अजीब हो तुम, भाई भी कहते हो और चीजें छुपाते भी हो। साफ नजर आ रहा है कि घर से भागे हुए हो। जानते भी हो कितना बड़ा जुर्म है ये। मोहब्बत करते हैं हम एक दूसरे से, 4 दिन की अय्याशी वाली मोहब्बत। नजर भाई, यही तो कह रहा हूँ कि कब तक ऐसे भागते रहोगे? पुलिस के हत्थे चढ़ गए ना तो बहुत बुरे फंसोगे। प्लीज। हाँ तो उसके घर वाले जो हैं, वो हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठे रहेंगे ना, ढूंढ लेंगे। हम निकाह की नीयत से निकले, निकाह करना चाहते हैं तुम दूसरे से। ये तो अच्छी बात है, और अगर तुम कहोगे तो मदद भी कर दूंगा, लेकिन कुछ पैसे लगेंगे, खर्च होंगे ना। पैसे? हाँ तो घर से भागते वक्त कोई हिसाब किताब करके नहीं निकले थे क्या? भाई ये मैं थोड़े से अभी काफी हैं, बाद में फिर और कर लेंगे, एतवार है तुम पे। अब तुम ये मत समझना कि ये मैंने अपने लिए लिए हैं। भाई खर्च होंगे ना, अब निकाह कहाँ आएगा, उसको देने होंगे, और 4 गवाह भी फ्री थोड़ी आएंगे, उनको भी पैसे दे के बुलाना पड़ेगा, उनके लिए लिए। निकाह हो जाएगा? हो जाएगा, समझो हो गया। बस तुम चलो तैयारी करो, और वो ना बच्ची का शनाख्ती कार्ड भी ले लो। नहीं है? चलो ठीक है, अभी वो खाना जो है ना वो खाली छोड़ देंगे, बाद में पूर कर। मसला तो नहीं? अरे समझो हो गया, मुंह लटका के क्यों कर, निकाह है तुम्हारा, दूल्हा हो, चलो खुश, चलो आ। पैसे वो खर्चे के लिए? हाँ वो मैं कर लूंगा, बड़ा भाई कहा है तो बड़ा भाई बन के दिखाऊंगा मैं तुम्हें।
उस लड़के के साथ भाग कर आई हूँ। तुम्हें जरा एहसास नहीं था कि तुम्हारे माँ बाप के दिल पे क्या गुजरेगी। तौबा है, तुम जैसी बद किरदार बेटी को तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। या आप मेरे लिए कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं? मेरे पास तो वो अल्फाज ही नहीं है जो मैं तुम्हारे लिए इस्तेमाल करूँ। पता नहीं आप क्या समझ रही हैं, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं, बस घर वाले नहीं मान रहे थे, सिर्फ इसीलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। रहने दो बीबी, रहने दो। ये आजकल के लड़कों की मोहब्बत भी अजीब है, लगता है कि अपनी जान ही दे देंगे, लेकिन जब जान देने की बारी आती है ना तो सबसे पहले यही भागते हैं। दो चार दिन में जब दिल भर जाए ना, ये भी भाग जाए। वैसे लानत हो तुम पर। ये तो मेरा शौहर है जो तुम्हें यहाँ पैसों की लालच में बर्दाश्त कर रहा है, वरना मैं होती ना तो धक्के मार के यहाँ से निकाल दूँ। कहाँ हैं आप? यही पूछने के लिए तुमने कॉल किया मुझे? जी नहीं, मैं नहीं आ सकता, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। और हाँ, इमरजेंसी के बगैर मुझे कॉल मत करना। भजन, आपने अपनी लड़का लड़की को ही देखा है? बॉस, आपने इन लड़का लड़की को ही देखा है? यही था, साथ में इसके एक लड़की भी थी। पक्की बात है यही था? मैं आपको क्यों बताऊं, आप कोई पुलिस वाले हो। हाँ प्लीज समझ ले। चले, कहाँ छोड़ा था आपने इन्हें? वो सैदपुर गांव। चले चले। अम्मी खा लें कुछ, भूख नहीं है मुझे रुशना। और वो दानियाल से कहूँ कि वो वापस आ जाए। वो उसे ढूंढे बगैर वापस नहीं आएगा। अम्मी क्या फ़ायदा है, अब उसे वापस ला के क्या करूँ? तो आप चाहती वो कभी वापस नहीं आए? मेरा तो दिल चाहता मैं फाइका से कहूँ निकाह करके उसे वहीं रख लें। मम्मी ये तो आप लोग पहले भी कर सकते थे। मुझे क्या पता था कि वो ये सब कर गुजरेगी। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटी ऐसी हरकत भी कर सकती। अभी वो अब्बू वो आ जाएगी, वो आ जाएगी अब्बू। ये आजकल के लड़कों की मोहब्बत भी अजीब है, लगता है कि अपनी जान ही दे देंगे, लेकिन जब जान देने की बारी आती है ना तो सबसे पहले यही भागते हैं। दो चार दिन में जब दिल भर जाए ना, ये भी भाग जाते हैं। घटिया सोच है इन लोगों की, मोहब्बत को नहीं समझते। अपनी ख्वाहिशात पूरी करने गई थी ना, तुम देख रहा तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, तुम कभी खुश नहीं रहोगी। तुम जैसी बेटी पैदा होने से तो बेहतर है कि बंदा बेऔलाद ही रहे।
तुम रो क्यों रही हो? मुझे घर जाना है। क्या? साइमन बहुत गलत कर रहे हैं, इसीलिए कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। हमारे घर वालों की बदनामी हमारा पीछा कर रही हैं साइमन। मेरी वजह से वो हॉस्पिटल चले गए, उनकी तबीयत पता नहीं कैसे होगी। अरे अब तुमके पास जाने, मुझे कोई निकाह नहीं करना, मुझे उनके पास भेज जाओ। साइमन ये निकाह नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ गलत होता रहेगा। हम अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ ये निकाह नहीं कर सकते। हम कभी मदर भाई मौलवी साहब को लेके आए, आज हमारा निकाह। अगर दिल करे तो पहन लेना। कौन सी जगह? सैदपुर है, मैंने उन्हें यहीं उतारा था। पक्की बात? मैं झूठ क्यों बोलूंगा। ठीक है, अभी ये पैसे रखिए। मैं बंद रोबिया सरमद वल्द सरमद अहमद साइम इब्राहिम वल्द मोहम्मद इब्राहिम के निकाह में आपको दिया जाता है, क्या आपको कबूल है? तुम जैसी बेटी पैदा होने से तो बेहतर है कि बंदा बे औलाद ही रहे। तुम्हें क्या वो अस्पताल पहुंचे या कब्र में पहुंचे, हम तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र कर रहे हैं कि हम तुम जैसी लड़की से बच गए। कबूल है। रोबिया सरमद वल्द सरमद अहमद। ये आजकल के लड़कों की मोहब्बत भी अजीब है, लगता है कि अपनी जान ही दे देंगे, लेकिन जब जान देने की बारी आती है ना तो सबसे पहले यही भागते हैं। दो चार दिन में जब दिल भर जाएगा ये भी भाग जाएगा। यहाँ साइन करें। चल माशा मुबारक। आप इधर, आप इधर। भजन सलाम अलैकुम। आपने इस लड़के को कहीं देखा है? सर अपने ढाबे वाले से। आप सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी भाई। भजन इस लड़के को कहीं देखा है आपने? हाँ, इसको तो मैंने करीम के साथ देखा है। करीम? ये करीम कहाँ मिलेगा? ये उधर सैदपुर मंदिर के पास। क्या हुआ भाई? अब नहीं कुछ नहीं, बहुत शुक्रिया। तो वो अब तुम्हारा निकाह भी हो गया, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, साथ हो गए। क्या हो गया, तुम मुझे ज्यादा खुश नहीं नजर आ रही? साइम मैंने सोचा था जब मेरा निकाह होगा तो मैं बहुत खुश होंगी और इतनी सारी फीलिंग्स होंगी, लेकिन अब जो हो गया है तो कुछ फील ही नहीं हो रहा, अजीब बेयकीनी सी है। अब तो तुम रूबिया साइम बन गई ना। शुक्र निकाह ठीक से हो गया। हाँ शुक्र, अच्छी बात है। घर चले? क्या मतलब? साइम यही तय हुआ था ना कि निकाह होते ही हम घर चले जाएंगे। तुम घबरा रही हो? तुम मुझसे घबरा रही हो? अपनी शक्ल देखो यार। तुम फालतू में हंसने की, तुम्हें निकाह से पहले घबरा रही साइम। आप लोग अभी के अभी यहाँ से निकले। भाई क्या हो गया?
सवाल जवाब का टाइम नहीं है, पुलिस आ रही है। पुलिस आ रही? और अगर उसने आपको यहाँ देख लिया तो मैं तो मारा गया। सर भाई आधी रात है, अब देखे तो मुझे नहीं पता, पुलिस उसने कॉल करके बताया कि वो आ रही है, निकलो यहाँ से वरना मैं मारा जाऊंगा। शुक्रिया। ये कमरा देने वाला काम मुझे रास ही नहीं आता। क्यों भागे हैं? नहीं सुना, नहीं पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है। मैं और नहीं भाग सकती। भागेंगे नहीं तो पुलिस पकड़ के मेरी हड्डियां तोड़ेंगी, बोलेंगी लड़की को भगा के लेके आयो। साइम मुझे नहीं पता, मुझे घर जाना है। तू ऐसे कैसे घर जाए, किसी से कोई रब्ता भी नहीं है। तो करो ना, किसी जगह पे जाके पनाह लेते, मैं आराम से वहां पे रहूं। चलो साइम मुझे नहीं पता, मुझे अभी और इसी वक्त घर जाना है। यार ठीक है, अब जो होगा देखो। किसी की बैठक चलो, तुमने गांव का हाल देखा है? चलो चल जल्दी जल्दी चल, यहाँ बैठ जा, यहाँ बैठ जा, यहाँ बैठ जा, यहाँ से आराम से देख के बैठ। बहुत ठंड लग रही है। सुनिए आसपास देखो, तुम्हारे मतलब की कोई चीज तो मिल जाएगी यहाँ पे। मतलब की तो चीज मिलेगी, पता है क्या मिलेगा? वहां से कंबल, वहां से रजाई, वहां से तकिए, और इसके नीचे से पहनने के लिए बहुत सारे कपड़े। तुम तंज करना बंद कर दोगे। अगली बार घर से भाग के निकलेंगे ना तो प्लान ए बी और सी बना के निकलेंगे, ताकि अगर एक फेल हो ना तो दूसरा काम आए। ताबा मेरी। यार मोहब्बत तो इससे ज्यादा इम्तिहान लेती है और तुम अभी से घबरा गई हो। ऐसे मोहब्बत से मेरी तौबा जो कितना ख्वार करवाए। क्या हुआ? चूहा। चूहा रखे? तुम्हें डर लगता है? ये चूहे से कौन डरता है? फटाओ फटाओ इसे। बराबर नहीं नहीं मुझसे पहले यहाँ से निकल जाए, बस ये बारिश बाहर से खत्म हो जाए। बहुत जल्दी तो मुझे दूर जाने की। साइन मेरे अब्बू हॉस्पिटल में है यार, पता नहीं उनकी कैसी तबीयत होगी, मुझे उनके पास जाना है।
करो, तो वो उस साइड से भी नहीं, नहीं। मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा वैसे ही है। थोड़ी सी गर्मी भी ना कितनी बड़ी नेमत होती है। यहाँ चाय और बिस्किट होती तो कितना मजा आता। तो आय का तो पता नहीं, बारिश रुक जाए ना थोड़ी देर में, फिर मैं खाने के लिए कुछ ले आता हूँ, ढूंढता हूँ यहाँ से मिल जाएगा। साइन तुम्हारा फोन भी गीला होगा ना, सेट होता तो मैं दानियाल भाई को कॉल करती, उनको कहती कम से कम हम यहाँ से तो ले जाएं। हाँ वो यहाँ आते तो मैं ले जाते, और मुझे कहते बेटा कल वलीमा में जरूर शिरकत करना। वलीमा लड़की वालों का नहीं होता। हाँ तो बस नहीं चल रहा कि तुम अभी उड़ कर घर चले जाओ। तुम्हारा दिल नहीं कहता। हाँ? तुम्हारा दिल नहीं कहता घर जाने। खबरदार बिल्कुल भी नहीं। हेलो, यहाँ से वापस आने के बाद पता नहीं हमें क्या कुछ फेस करने को पड़ेगा। दूसरे से बात करना तो दूर, शायद एक दूसरे की शक्ल भी ना देख पाए, मिल भी ना सके हम। लेकिन साहब हमारा तो निकाह हो गया ना। तुम्हारी फैमिली ने निकाह तोड़ने की कोशिश किया, निकाह तोड़ेंगी, लेकिन तुमने साबित कदम रहना। और अगर तुम्हारी फैमिली तुम पे प्रेशर डाले थे? कोई प्रेशर नहीं डाल सकती, एटलीस्ट अब तो नहीं डाल सकती। कहा हो गया ना, अभी तो कहा हो गया। एक तो मेरा इसको बताया, सब नहीं सोचा था। क्यों आ गए? नहीं बेटा, उसका फोन आया था। कब आएगी? और जो भी पता नहीं, बस
इतना मालूम हुआ है कि उन दोनों ने निकाह कर लिया। क्या? काश जो भी थोड़ा सा इंतजार कर लेती, खुशी से ना सही मगर हमारे सामने हमारे हाथों से ये निकाह हो जाता तो अच्छा होता। सॉरी ताया अब्दू। नहीं मेरा बेटा, तुम क्यों सॉरी कर रही हो? मेरा बच्चा, बदनामी हमारे नसीबों में लिखी हुई थी जो हम सब ने फेस कर ली थी। अम्बू, अम्बू आप ठीक? क्या हुआ? ताया वो डॉक्टर है। डॉक्टर? अम्बू। डॉक्टर? अम्बू। अम्बू क्या हुआ? अम्बू। यार फजल, आज बारिश ने सारा मूड ही खराब कर दिया यार। मेरा सारा जिस्म अकड़ चुका है यार। हाँ यार, आज तो बेसवादगी सी हो गई है। जैकेट तो यही है, यही कहीं होगा। फिर चलो रही मैं सिगरेट बना, और तुझे तो पता है तेरे हाथ के बने हुए सिगरेट का मजा ही अपना होता है यार। अरे यार, मैंने सिगरेट पहले का बना के रखा हुआ है, पिलाता हूँ तुम्हें भी, पहले तू लगा भाई। चल अब दे भी दे, सारा पिएगा। यार तू तो मरा ही जा रहा है यार। मर ही तो रहे अपने महबूब की जुदाई में, एक कश ने पूरी जन्नत की सैर करवा दी, हर तरफ पर यही परियां, हुरे ही हुरे। ओए हुर, ओए ये तो सचमुच हो रहा है यार। मैं हुर नहीं हूँ, मेरा नाम जुबिया है। हुरों के नाम ही होते हैं। कौन है तू? साइम कहाँ है? साइम वो जिसके साथ तुम यहाँ रंग रलिए मनाने आई थी? वो तुम्हें छोड़ के जा चुका। और तुम्हें छोड़ गया हमारे लिए, अब तुम बकवास बंद करो, मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। वो जा चुका तुम्हें छोड़ के। हम है ना यहाँ, अब साइम की क्या जरूरत है? साइम! साइम! हम ना कहीं गए। अस्सलाम वालेकुम। अरे कोई खाने वाले को बिस्किट बिस्किट दे दो वैसे। या अल्लाह खैर, आज लगता है फिर से बारिश होगी। ऐसी बारिश तो ना कभी देखी ना सुनी। जोर के लिए डर जाएगी। ये भी दे। अपना बकाया तो लेते हैं। कौन? सुबिया कहाँ छुपा के रखा तुम दोनों ने? किसको कहाँ छुपा के रखा है? किसकी बात कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं है। तुम दोनों ने उनको कहाँ छुपा के रखा है? सीधी तरह बताते हो कि नहीं? वरना मैं भी पुलिस को फोन कर दूंगा, वो सब कुछ बुलवा लेगी तुमसे आकर। नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। हमें नहीं पता, हमें नहीं पता वो कहाँ है। किस इनको छोड़ दे, इनको छोड़ दे। अगर वो लोग यहाँ नहीं आए तो फिर ये क्या है? क्या है ये तो मेरी बीवी का रुमाल है, मेरे ईद पे तोहफा दिया था। बताओ इसको। मैं बताती हूँ क्यों उनकी वजह से झूठ बोल रहे हैं आप। अगीना क्या बता? मैं बता रही हूँ ना, वो दोनों यहाँ आए थे, उन दोनों ने यहाँ रात गुजारनी थी, और उन दोनों ने पहले से निकाह करके रखा हुआ। हमें नहीं पता वो कहाँ चले गए, आधी रात को उठ के कहाँ चले गए, हमें कसम ले ले कुछ नहीं पता। सही कह रही है। हेलो, क्या? अच्छा ठीक।
बदमाश कहीं का। मैंने कहा था ना इस मुसीबत में मत पड़ो। अगर उसको मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो चले थे थाने आज तो। चलो हो गई ना बचत, अब भाषण मत छाड़ो, चलो अंदर। ठीक तो हो जाएंगे ना बेटा, बस दुआ करो मेरे सरमत को कुछ ना हो। अब वो जान रहे थे पता है, वो हमारी सारी बातें सुन रहे थे। अल्लाह हम सब पे रहम करे। इस तजुर्बे की वजह से उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ, नफरत करती हूँ उसे। आया वो, अभी माफ नहीं करूंगी मैं उसे। बेटा इस वक्त सिर्फ सरमत के लिए दुआ करो, वो सूबी को बददुआएं देने का कोई फायदा नहीं, वो अपनी मर्जी से अपना जानू मुंतखब कर चुकी है, दफा करो उसे। अब ठीक कह रहे थे आप, अल्लाह मेरे अम्मू को सदैव करे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरा बच्चा, बस हौसला कर, मेरे सरमत को कुछ नहीं होगा। सब ठीक हो गया है? चले गए। क्या हुआ? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? मैं भी तो तुम्हारे साथ घर से निकल के जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है मैंने। तुम क्या कह रही हो? आना कि घर जाएंगे ना, हंसी खुशी निकाह करेंगे। अगर तुम्हारे पास कोई ठिकाना नहीं था तो तुम मुझे इस वीराने में क्यों नहीं कर आए और यहाँ लाके अकेला छोड़ दिया? वो गुंडे साहिब, तुम्हें अंदाजा भी है कि वो मेरे साथ क्या करने लगे थे? अगर कुछ हो जाता तो छुआ तो नहीं ना। तुम कितनी आसानी से कह रहे हो। अरे तुम, मैं क्या करूं यार, तुम हर बात का इल्जाम मेरे सर पे डाल देती हो। हम घर से भाग कर आए थे, कोई फाइव स्टार होटल में हनीमून मनाने के लिए नहीं आए थे हम। तुम्हारी नियत आ गई ना तुम्हारी जुबान पे, यही चाहते थे ना तुम? क्या चाहता था? मेरा फायदा उठाना। मैं तुम्हें कब से कह रही हूँ साहिब, घर चलते हैं, घर चलते हैं, लेकिन नहीं, तुम मुझे इस वीराने में अकेला ले आए। क्यों? मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगा, एक लफ्ज और नहीं। मुझे घर जाना है अभी और इसी वक्त। मुझे अपने लोगों के पास जाना है जो मेरी हिफाजत कर सके, जिनकी नियत में कोटना तुम्हारी तरह। जानू में जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ। तुम इस काबिल ही नहीं हो जिसकी खातिर मैं घर वालों के सामने खड़ा हो गया। दफा हो जाओ यार तुम यहां से, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ यहां से। वॉच द ड्रामा सील मोहब्बत गुमशुदा, जिसमें हम सब है। And you have to subscribe to Hum TV, press the bell icon, comment, just keep commenting, just keep on sharing it, just spread it. Sabko bata dijiyega ki Mohabbat Gumshuda aayi hui hai, and puri duniya ko phaila dijiyega. Come on, you can, I'm waiting for you guys to press that and share it.
सुबह पे रहता विर्द तेरा।